नेदर तो पूरा लावा से भरा हुआ होता ही है, पर क्या हो अगर ओवर वर्ल्ड में भी चारों तरफ से लावा ही हो? हमारी एक गलती और हम कभी भी मर सकते हैं। हमें ट्राई करना है इसमें 100 डेज सर्वाइव करने का, एंड साथ ही साथ में एंडर ड्रैगन को भी मारने का। एंड तुम में से अभी तक 97% विलेजर्स हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई फटाफट जाके सब्सक्राइब भी कर दो। एंड या एंजॉय। यहाँ पे स्टार्ट होता है D1, एंड जैसे ही स्टार्ट होता है भाई यहाँ पे चारों तरफ आग लग चुकी थी। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था भाई अब क्या करूँ। जैसे तैसे करके मैं ये वुड बचाने की कोशिश कर रहा था, पर ये वुड भी पानी में जा गिरी। एंड यहाँ पे चारों तरफ आग ही आग लग गई थी। तो यहाँ पे मेरे को जैसे ही तैसे करके वुड चाहिए थी, क्योंकि अगर सारी वुड जल जाएगी तो फिर मेरे को ना ही पेड़ मिलने वाले हैं, क्योंकि पेड़ वगैरह तो ऐसे ही जल जाएंगे। यहाँ पे मैं जैसे ही इस घर में घुसा, यहाँ पे मेरे अंदर भी आग लग गई। एंड जैसे तैसे करके मेरे को बचना पड़ा यहाँ पे, वरना यहीं पे मेरा गेम खत्म हो जाता एंड मैं चल पाता यहाँ से। बट यहाँ पे फिर जैसे तैसे करके मैं पानी की वजह से बच जाता हूँ। यहाँ पे हॉर्स मिलता है एंड यहाँ पे एक विलेजर भी बाहर आता है। बट पता नहीं कैसे मैं जैसे ही अंदर जाता हूँ इस विलेजर के क्या जज जाती है, एंड वो जाके सुसाइड कर लेता है लावा में। ओ सैड। तो यहाँ पे फिर मैं बाद में थोड़ी बहुत वुड वगैरह लेता हूँ एंड अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। बट मेरे पास तो इतनी वुड थी नहीं कि मैं यहाँ पे टूल्स वगैरह बना सकूँ, तो मैं इस विलेजर के घर से थोड़ी बहुत वुड वगैरह इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता हूँ। क्रीम मैंने कलेक्ट एंड अभी हाथों से ही मैंने छोटे छोटे हाथों से ही यहाँ पे काम किया। एंड देन उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक बेड भी मिल गया, तो यहाँ पे मैंने बेड चुरा लिया यहाँ विलेजर्स का। एंड थोड़ा बहुत खाना वाना भी चुरा लिया। बट यहाँ पे मेरे को दिखा पोपलू जलता हुआ, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से लकड़ी तोड़ी एंड मेरे पोपलू को बचा लिया। एंड पोपलू को हमने बचा लिया ये। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत स्लैब्स वगैरह बनाई एंड इधर उधर देख ही रहा था कि मैं फिर से आग में लग गया। अब मुझे समझ में आ चुका था कि भैया अगर मैं अपने आप को कवर नहीं करूँगा तो मैं भैया मरने वाला हूँ यहाँ पे। तो फिर मैंने फाइनली थोड़ा बहुत ट्राई किया स्टोन्स वगैरह कलेक्ट करने का, बट फिर से मैं आग में लग गया। एंड यहाँ पे आते थे मेरी आग बुझ गई। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत स्टोन्स वगैरह कलेक्ट किए एंड एक स्टोन की पिकैक्स बनाई। फिर मुझे याद आया कि मुझे एक बकेट भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे तो आयरन गोलम है जिसको मार के हम ले सकते हैं आयरन। तो यहाँ पे मैंने बना ली अपने लिए एक स्टोन की एक्स या। देन इसके बाद में मैं चला गया आयरन गोलम भैया के पास में, क्योंकि वही हमें आयरन दे सकते हैं यहाँ पे, वरना उनके अलावा कोई नहीं दे सकता। एंड पता नहीं क्या हुआ मेरे से आयरन गोलम भैया मर ही नहीं रहे थे, बट जैसे तैसे करके आयरन गोलम भैया को मार दिया। एंड आयरन गोलम भैया काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने हमें दे दिए 5 आयरन। उसका काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि हम उससे बनाने वाले हैं एक बकेट। एंड या फाइनली अब मैं अपने जहाँ पे जाना चाहूँ वहाँ पे जा सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास आ चुका था पानी। एंड मुझे लावा से डरने की ज़रूरत नहीं है, या डरने की ज़रूरत पड़ेगी बट अभी मैं बच सकता हूँ क्योंकि मुझे मेरे पास पानी है। तो यहाँ पे मैंने विलेजर्स के घर के रास्तों पे पानी डाला ताकि मैं वहाँ पे जा सकूँ, थोड़ी बहुत सीड वगैरह ग्रो करती। एंड देन मुझे समझ में आया कि ये विलेज पूरा तबाह हो चुका है एंड इस विलेज में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। तो मैंने सोचा जाते जाते मैं यहाँ की डर्ट भी ले चलता हूँ, ये तो क्या ही करेंगे डर्ट का। मैं यहाँ पे विलेज की सारी डर्ट कलेक्ट करने लग गया। देन इसके बाद में मैंने थोड़ा बहुत खाना कलेक्ट किया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। इसके बाद में मैंने अपने लिए खाना वाना कलेक्ट किया, दोबारा अपना इनका खाना ग्रो कर दिया ताकि ये लोग भी खा सकें। देन इसके बाद में मैंने थोड़ी बहुत और डर्ट इकट्ठा की एंड मेरे पास पोटैटो भी मिल गया था। देन मैंने थोड़े बहुत एनिमल्स को मारा, ये पोपलू नहीं थे, पोपलू दूसरी तरफ था। पोपलू को मैं एक जगह पे छोड़ के आ गया एंड या ये दूसरे जानवर थे जिनको मैंने मारा। फिर उसके बाद में मैं निकल गया एक विलेज की तलाश में, बट फिर मेरे को पता चला मेरे पीछे तो ये स्लाइम्स ही आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब मैंने जगह रख दी है इनको स्पॉन होने के लिए, इसकी वजह से ये मेरे पीछे पीछे आना स्टार्ट हो गए। तो मैंने फटाफट पानी डाला एंड निकल गया दूसरे विलेज के लिए फटाफट, ताकि मैं यहाँ पे बच जाऊँ। एंड फाइनली जाके मैं एक दूसरे विलेज में पहुंच गया एंड इस विलेज की भी हालत वही होने लग गई ही, हर जगह सिर्फ आग ही आग लगी हुई थी। विलेजर्स परेशान, सब लोग आत्महत्या करने लगे हुए थे यहाँ पे। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए एक बेड तोड़ लिया, क्योंकि मैं पिछला वाला बेड पिछले वाले विलेज में ही छोड़ा आया था गलती से। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे देखे कि स्लाइम्स भी आत्महत्या कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, पर एक बड़ी स्लाइम मेरे पीछे पड़ गई। तो मैंने फटाफट यहाँ पे काफ़ी सारी डर्ट ली एंड ऊपर चढ़ गया, भाई यहाँ पे नीचे रहूँगा तो मार देंगे। तो यहाँ पे मैं सो गया एंड देन नेक्स्ट डे देख रहा हूँ कि यहाँ पे स्लाइम्स का आतंक चल रहा है, बट मैं ऊपर से गिरा। बट
बाल बाल यहाँ पे बच गया। एंड आसपास में मैं देखता रहा, बट यहाँ पे कुछ बचा नहीं इस विलेज में भी, क्योंकि सारा का सारा विलेज जल चुका था। एंड अब इस विलेज में कुछ था नहीं, तो मेरे को जाना था एक नए विलेज में, क्योंकि मेरे को अभी और चीज़ें चाहिए थी। बट यहाँ पे मेरे को लकीली एक लाइब्रेरियन का घर मिल गया, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना ये बुक्स इकट्ठा कर ली जाए, ये काम आ जाएंगे हमारे एन्चेंटिंग वगैरह में आगे। एंड इसके बाद में एक विलेजर यहाँ पे जल रहा था, तो मैंने जैसे जैसे करके उसको बचाया। एंड यहाँ पे मुझे वुड भी चाहिए थी, बट यहाँ पे ये वुड भी जलने लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने जैसे जैसे करके इस वुड को भी बचाया, बट कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए मैं भाई समझ गया कि यहाँ पे मेरे को वुड वगैरह नहीं मिलने वाली है, मैं चाहे कितना भी रोक लूँ बट ये जल ही जाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ से निकलना सही रहेगा। तो मैं फटाफट इस विलेज से निकल गया, तभी मुझे दिख रहा था एक फ्लेचर इसी विलेज में निकलते वक्त, तो मैं फटाफट गया उस फ्लेचर के पास में। एंड नेक्स्ट वाले विलेज में मेरे को ये दो काउस दिखी जो जल के मर रही थी, तो मैंने इनको बचाना चाहा, बट गलती से यार ये पानी की वजह से भाई आग में लावा में चली गई एंड दोनों का RIP हो गया। तो मैंने नहीं मारा, वो गलती से मर गई यहाँ पे। देन इसके बाद में मैंने थोड़ा बहुत खाना कलेक्ट किया एंड दोबारा से बेड भूल गया था मैं दूसरे विलेज में ही, तो यहाँ पे मैं फिर से एक बेड ले लिया। एंड इस फ्लेचर का काम हम आगे करेंगे। यहाँ पे ये ब्रिंग स्टैंड के पास में मैंने अपना बेड लगा दिया, एंड ऊपर जाके मैंने थोड़ा बहुत घर तोड़ डाला इस विलेजर का, ताकि मेरे को थोड़े बहुत स्टोन वगैरह मिल सके। एंड बिना स्टोन के तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है इस वर्ल्ड में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक स्टोन ही है। एंड मुझे बनाना था एक कोबल स्टोन जनरेटर भी, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ ऐसे ही विलेजेस में घूमता आ रहा हूँ, बट मुझे फिर से अपने लिए एक परमानेंट जगह तो बनानी पड़ेगी रहने के लिए, इसीलिए मैं नीचे चला जाता हूँ एंड देन बनाना स्टार्ट कर देता हूँ अपना कोबल स्टोन जनरेटर, जो कि ज़्यादा खास नहीं था। बट यहाँ पे मैंने स्लैब्स का यूज़ इसलिए किया था कि यहाँ पे कोई मॉब स्पोन ना हो, वरना पता चला यहाँ पे मॉब्स मॉब स्पोन हो गए हैं, इसीलिए मैंने स्लैब्स को सही तरीके से लगाया। एंड देन उसके बाद में मेरा कोबल स्टोन जनरेटर बन गया। यहाँ पे कोबल स्टोन जनरेटर बन के तैयार हो चुका था। एंड अब फाइनली मैं कोबल स्टोन इकट्ठा कर सकता था। काफ़ी सारे कोबल स्टोन इकट्ठा करने के बाद में मैंने एक बड़ा सारा प्लेटफॉर्म बना दिया, जहाँ पे अब मैं अपने ट्रीज वगैरह ग्रो करने वाला हूँ एंड और बाकी की सारी चीज़ें यहीं पे ग्रो करने वाला हूँ। बाकी मैंने इस पर ये जो एक स्लैब वाली जगह इसलिए रखी थी ताकि यहाँ पे स्लाइम वगैरह स्पोन ना हो सके, वरना स्लैब्स पर भी स्लाइम स्पोन हो सकती हैं। इसके बाद में मैंने थोड़ी बहुत और चीज़ें अपने सामान में देखी एंड देन इसके बाद में मैंने सोचा अपने जो सीड्स वगैरह है वो यहाँ पे वीट की लगा देते हैं। तो आसपास के जितने भी मैंने यहाँ पे फार्म थे उन्हीं में मैंने फार्म पे काम किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था दूसरा फार्म बना के टाइम वेस्ट करूँ फालतू का। बट मेरे को विलेजर्स को भी शिफ्ट करना था, प्लेटफॉर्म को थोड़ा बड़ा कर दिया। फाइनली प्लेटफॉर्म बनाने के बाद में मैंने एक ट्री फार्म बनाना स्टार्ट किया। तो फाइनली ट्री फार्म बन के कम्प्लीट हो चुका था एंड यहाँ पे मैं विलेजर्स को भी लेके आ चुका था। एंड आसपास में मैंने बाउंड्री वगैरह भी कर दी थी ताकि विलेजर्स लावा में ना गिर जाएं। एंड इसी के साथ में काफ़ी ज़्यादा सेफ प्लेस हो गई थी अब ये विलेजर्स के लिए एंड मेरे लिए भी। इसके बाद में मैंने काफ़ी सारे आयरन गोलम्स को मारा ताकि मैं इकट्ठा कर सकूँ काफ़ी सारा आयरन एंड अपने लिए एक आयरन आर्मर तो बना ही लूँ। आयरन गोलम्स को मारने के बाद में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आयरन हो गया था, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए आयरन का पूरा आर्मर बना लिया, देन थोड़े बहुत आयरन के टूल्स भी बना लिए, क्योंकि लगे हाँ सब कुछ ले ही लेते हैं जब मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आयरन की एक्स बनाई एंड पिक एक्स बना ली। तो इसी के साथ में फाइनली मैं पूरा पूरा आयरन में कवर हो चुका था। एंड सबसे मेन चीज होती है सील्ड, बट अभी भी डायमंड्स तो अपने को मिल नहीं सकते हैं इस वर्ल्ड में, क्योंकि उनके लिए अपने को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे नेक्स्ट डे उठ के मैंने सोचा चलो नेदर पोर्टल ही बना लेते हैं, क्योंकि अपने पास कोबलस्टोन वगैरह तो सब कुछ है ही एंड पानी भी है। तो फटाफट मैंने अपना पोर्टल बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली जाके यहाँ पे पोर्टल कंप्लीट हो चुका था एंड अब मैं रेडी था पूरा पूरा नेदर में जाने के लिए। तो मैं फटाफट निकल गया नेदर की सैर के लिए।
बट मैं एक ऐसी जगह पे स्पॉन हुआ जहाँ पे सिर्फ लंबे लंबे पहाड़ थे एंड या कुछ भी नहीं था, पर लकीली मुझे एक मेंजन टाइप में मिल गई पास में ही, जहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लूट मिल सकती थी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत माइनिंग वरना करना स्टार्ट किया एंड मुझे ब्लैक स्टोन मिल चुका था। बाकी मुझे यहाँ पे मेन काम नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने का है ताकि मैं ब्लेज रोड ले सकूँ एंड बाकी और बायोम मिल जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे फिर मेरे को घूमते घूमते ये जगह मिल गई जहाँ पे काफ़ी सारे गोल्ड था एंड अगर तुम नेदर में आते हो तो तुम्हें गोल्ड का वैल्यू पता ही होगी। पे मैं आया लूटने के लिए, बट इस चेस्ट पे तो ये निगरानी करके बैठे थे तो मैंने इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा पीटा, बट फिर ये मेरे को भी मार रहे थे तो मैंने जैसे तैसे इनको मार के एंड उल्लू बना के पूरी चेस्ट लूट डाली, जिसमें कि मेरे को डायमंड पिकैक्स भी मिल गई एंड या फाइनली मेरे को डायमंड मिल चुके थे एंड मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। बाकी यहाँ पे मेरे को आयरन गोल्ड का भी कुछ मिल सकता था तो मैं गोल्ड के बूट्स पहन लिए मैंने। अब मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पिगलिन भी यहाँ मेरे को नहीं मारेंगे। घर पर आके मैंने अपना सारा सामान अपनी चेस्ट में रख दिया एंड या इसके साथ में मेरी काफ़ी ज़्यादा लूट हो चुकी थी। फिर मैं थोड़ा बहुत कोबल स्टोन वगैरह इकट्ठा करने चला गया, इसका मैं पता नहीं क्या यूज़ करने वाला था, बट या मेरे को कोबल स्टोन चाहिए थे। फिर इसके बाद में मेरे को एक शिप दिखी तो मैं शिप को लालच दे के अपने घर पे ले आया, क्योंकि शिप को वीट का लालच देना काफ़ी ज़्यादा आसान है एंड उसको भूल भुला के मैं अपने पीछे पीछे लेके आ गया। तभी मैंने देखा यहाँ पे स्केलेटन और अदर ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए तो फिर मैंने इनको यहाँ पे मार दिया और क्या क्या करें इनका। एंड यहाँ पे एक क्रीपर भैया भी थे जिसको मारने के चक्कर में मेरा ये पूरा एरिया उड़ गया एंड या मेरी चेस्ट भी तोड़ दी। तो मेरे को चेस्ट पे शायद पानी डाल देना चाहिए था बट नहीं डाला, इसकी वजह से क्रीपर भैया फट गए। यहाँ पे पिगलिन से ट्रेड करने के बाद में मेरे को ये पोशन मिल गए थे। यहाँ पे फिर मैंने ब्लेजेस से काफ़ी ज़्यादा दो दो हाथ किए एंड यहाँ पे काफ़ी देर हमारा दंगल चला जिसमें काफ़ी बार मैं मरते मरते बचा। एंड एंडरमैन तो आपको पता ही है क्या करते हैं भाई, डिस्को डांस करते रहते हैं, इसीलिए इनके साथ में तो काफ़ी आसान था हाथ करना। तो इन दोनों को मारने के बाद में मैं चला गया अपने घर पे। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एंडरपल हो चुके थे बट क्या मेरे पास ब्लेज रोड भी हो गई थी, 4 ब्लेज रोड काफ़ी थी मेरे लिए एंड एंडरपल भी हो चुकी थी। तो मैंने फटाफट जाके अपने घर में अपना सामान रख दिया एंड ये शिप गेट पे खड़ी थी तो मैंने गेट बंद कर दिया वापस। बट मैं घर वापस आया तो मेरे को पता चला यहाँ पे तो एक क्रीपर भी स्पोन हो गया मेरे घर पे। तो या मैं सोच रहा था एक घर बना लेते हैं बीच में, बट क्रीपर भी यहाँ पे स्पोन हो गए, टपका दिया क्रीपर को। या मेरे पास फ्लेम की जो स्वॉर्ड है, फिर इसके बाद में मैंने ब्लेज पाउडर बनाई एंड ब्लेज पाउडर से मैं आपको बताइए क्या करते हैं, मैंने बनाई आई ऑफ एंडर, क्योंकि मेरे पास 3 आई ऑफ एंडर थी। तो इनको फेंक के मैं चला गया नेदर के अंदर। नेदर के अंदर जाके मैंने ऊपर एंडर ड्रैगन के टावर के क्रिस्टल तोड़ने स्टार्ट किया एंड या काफ़ी ज़्यादा आसान था। इसके बाद में मेरे को एंडर ड्रैगन गुस्सा हो गया मुझसे एंड उसने मुझ पे ब्रेथ फेंक की, बट उससे कोई असर नहीं पड़ा मेरे को। एंड या यहाँ पे ब्रेथ फेंकते ही मैं नीचे कूद गया ताकि मैं वाटर बकेट ट्रिक करके दिखा सकूँ एंड या एंडर वाटर बकेट ट्रिक हो चुकी थी। इसके बाद में मैं चला गया दूसरे वाले टावर पे एंड वहाँ पे भी मैंने सेम ही प्रोसेस की, वहाँ पे भी जाके मैं फटाफट ऊपर चढ़ गया। इसके बाद में मैंने यहाँ पर क्रिस्टल्स फोड़ना स्टार्ट किया। तो फाइनली जाके यहाँ पे एंडर ड्रैगन मर गया था एंड एंड फ्री हो गया था। इसके बाद में मैं निकल गया अपने घर पे वापस एंड जितने भी लेवल्स मिलने थे वो सारे मैंने कलेक्ट कर लिए। और या एंडर ड्रैगन मर चुका था बट मैं एंडर ड्रैगन का एग लाना भूल गया जो कि हम बाद में कभी ले आएंगे। तो इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।